नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नवीन सोनी सर चैनल में। दोस्तों मैं हूँ नवीन सोनी, आप देख रहे हैं नवीन सोनी सर चैनल। दोस्तों अभी तक हम चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में जब बेल आइकन उसको क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरे बनाए नए नोटिफिकेशन जो प्राप्त होते रहें। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं शेवरले तवेरा की। दोस्तों आपको पता है कि ये मेरे लिए ये गाड़ी जो कितनी बेस्ट है और कितनी आपको पता है कि कितनी मस्त गाड़ी आती है, और मैंने लगभग इसी गाड़ी के दोस्तों वीडियोज़ बनाए हैं। दोस्तों अभी आप देख रहे हैं ये है शेवरले तवेरा 2009 मॉडल। दोस्तों इसके अंदर क्या क्या खूबियाँ थी इस गाड़ी के अंदर, मैं आपको बता रहा हूँ, जिसके कारण से हमने अभी तक इस गाड़ी को रख रखा है और आगे भी हम इस गाड़ी को रखेंगे। तो दोस्तों वीडियो पर बने रहें, क्या आपके पास भी शेवरले तवेरा है? दोस्तों है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए और मुझे बताइए कि आपको इस गाड़ी को चलाकर कैसा फ़ील होता है और इस गाड़ी में आपके क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, और उस प्रॉब्लम्स के बारे में हम ज़रूर चर्चा करेंगे। दोस्तों क्योंकि गाड़ी चलाते हैं तो प्रॉब्लम्स आती है, मैंने इसी गाड़ी की बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हैं। दोस्तों आपको इस गाड़ी में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप एक बार मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि हम उसका निवारण कर सकें, क्योंकि दोस्तों हमने इसको 3.5 लाख के आसपास इस गाड़ी को चला दिया है और हमारे दोस्तों कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही। दोस्तों मेंटेनेंस फ्री गाड़ी है, तो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स दोस्तों आती है तो आप ज़रूर हमसे शेयर कीजिए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। यदि आप मुझे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर दोस्तों मुझे फॉलो कीजिए, सेम आईडी है नवीन सोनी सर। दोस्तों अभी चलते हैं इस गाड़ी की तरफ और इसके अंदर मैं आपको फैसिलिटीज़ बताता हूँ दोस्तों क्या क्या है। जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, आप सामने देखेंगे तो इस प्रकार से स्टीयरिंग सिस्टम, और ये लगभग दोस्तों इस प्रकार का जो इंटीरियर है वो लगभग सब गाड़ियों में मिलता है। तो दोस्तों काफ़ी पुरानी गाड़ी है, 2009 मॉडल है दोस्तों, फिर भी हमने इसको बिल्कुल से अच्छे से अंदर से रख रखा है। दोस्तों टाइम के साथ साथ जंग लगना और ख़राब होना दोस्तों वो तो स्वाभाविक हो जाती है, लेकिन दोस्तों आज भी हम लॉन्ग टूर पर जाते हैं तो इसी गाड़ी को लेके जाते हैं, क्योंकि दोस्तों हमें बहुत ही अच्छा फील होता है इस गाड़ी को लेके जाते हैं तब। इसमें दोस्तों आप सामने देख रहे होंगे, इसमें एक ये वाली LED लगी हुई है और दोस्तों बहुत ही शानदार ये चलती है। इसमें बहुत अच्छी अपन मूवी वगैरह या कोई भी प्रोग्राम वगैरह कुछ भी देखना चाहें तो ऑनलाइन दोस्तों इसमें देख सकते हैं अपने मोबाइल से कनेक्ट करके, या इसमें दोस्तों पेन ड्राइव लगा सकते हैं, यहाँ से आप पेन ड्राइव लगा के और इसके अंदर आप देख सकते हो कुछ भी। तो दोस्तों टाइम आराम से पास होता है और अच्छे अच्छे आप इसमें साउंड है वो लगा सकते हैं। मैंने दोस्तों इसमें पहले से साउंड लगा रखा है, बहुत अच्छा एम्पलीफायर सिस्टम पीछे की साइड में। तो दोस्तों बहुत ही मज़ा आता है इस गाड़ी को लेके जब हम टूर वगैरह पर जाते हैं। अच्छी फैसिलिटीज़ है दोस्तों इस गाड़ी के अंदर, और भी मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ है। ये तो साइड में आपको लगाना पड़ता है यदि आप लगाना चाहें तो। इसके अलावा दोस्तों मैंने लाइट लगा रखी है, देखिए कंपनी नहीं दे रही है लेकिन मैंने इसमें लगा लिया है। ये दोस्तों आप जगह देख रहे हैं, इसमें आप कुछ भी लगा सकते हैं। कई कमेंट्स आए मेरे पास कि स्विच किसका है, तो दोस्तों इस स्विच मैंने खुद ने लगाया है। दोस्तों ये तो पार्किंग स्विच होता है और ये वाला जो होता है वो हेडलाइट के लिए होता है, अप एंड डाउन करने के लिए, कि इसमें 4 पॉइंट है। देखिए यहाँ से आप देख रहे हैं, यहाँ से लेकर ये देखिए 1, 2, 3, 4, ये 4 पॉइंट इसके अंदर आते हैं जिससे कि गाड़ी जो होती है वो अप से डाउन तक जाती है, धीरे धीरे जाती है। ये 200 डिपर जो सिस्टम होता है आप यहाँ से आप इसको यूज़ में लेते हैं, इस वाला ये जो इस प्रकार से लेते हैं दोस्तों। इसमें तो क्या अप और डाउन ही होती है, लेकिन दोस्तों इसमें 4 स्टेप आती हैं, आपको किस प्रकार से लाइट को एडजस्ट करना है, लॉन्ग से लेकर डाउन तक कितना करना है, तो आप 4 स्टेप में दोस्तों इसको आप डाउन तक कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों स्विच आता है, लेकिन लगभग में काफ़ी पुरानी गाड़ी हो जाती है तो आगे की साइड में जो इसके हेडलाइट्स हैं उस हेडलाइट्स में दोस्तों एक मोटर आती है वो ख़राब हो जाती है, जैसे हमें उसको डायरेक्ट करवाना पड़ता है और फिर लोकल डलवा लेते हैं दोस्तों इसके अंदर, जिसके कारण से ये स्विच है वो काम करना बंद कर देता है। बाकी इसकी वायरिंग अभी तक भी है, कोई दिक्कत नहीं है। ये पार्किंग है और ये हमने अपनी मर्ज़ी से लगा रखा है स्विच, देखिए इस प्रकार से, ताकि इसको यहाँ से दबाएँ तो यहाँ से देखिए दोस्तों लाइट जल जाए। तो ये हमें ज़रूरत के हिसाब से हमें महसूस हुआ तो हमने इसको लगा लिया। इसके अलावा दोस्तों देखिए और भी आप स्विच लगा सकते हैं, ये जो जगह होती है इसमें आप स्विच लगा सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, जैसे 1, 2 कोई भी स्विच आप इसमें लगाना चाहें, 3 स्विच यहाँ लग सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर ये देखिए मैनुअल है बिल्कुल सही, इस प्रकार से आप देख रहे हैं विंडो मैनुअल, आराम से इसको आप रोलिंग अप एंड डाउन कर सकते हैं और आराम से इसको दोस्तों सेट कर सकते हैं। बाकी आप देख रहे हैं यहाँ पर स्पीकर वगैरह इसमें लगते हैं गाड़ी के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हमने इसमें यहाँ पर इस साइड में और वो जो साइड देख रहे हैं उस साइड में हमने छोटे छोटे ट्विटर लगा रखे हैं। बाकी दोस्तों कोई भी ज़्यादा फालतू के हमने कोई भी खर्चे नहीं कर रखे इस गाड़ी में, आप देख रहे हैं कि बिल्कुल से साफ़ सुथरी गाड़ी है। ये देखिए दोस्तों मैं आपको और बताता हूँ इसके अंदर देखिए दोस्तों क्या क्या खूबी है। ये देखिए दोस्तों हम यहाँ से अब इसको पीछे साइड वाला बीच वाला गेट जो गेट है वो खोलते हैं तो आप देखें कुछ इस प्रकार से इसमें ये जो व्यवस्था है वो मिली है। मैंने दोस्तों अपनी मर्ज़ी के हिसाब से दोस्तों इसके अंदर जो है चार्जर सेट कर रखा है। ये ट्यूबलाइट जो आती है उस ट्यूबलाइट की ये जिसमें चौक आता है उस चौक को मैंने निकाल कर इसमें चार्जर फिट किया है। ये आप देखेंगे इस प्रकार से ये ऑन हो जाता है और इस प्रकार से ऑफ हो जाता है।
दो इसमें लग सकते हैं दोस्तों। ये वही चार्जर है जो आपको वहाँ पर सेट होता है, वो आप सामने जगह देख रहे हैं, वहाँ पर जो चार्जर लगता है उसी चार्जर को मैंने तोड़ के इसमें डाला है। और ये पिन सिस्टम है ताकि दोस्तों गाड़ी में आप कहीं पर भी बैठो, लॉन्ग पर बैठो, कहीं पर भी बैठो, तो आप आराम से बैठ के चार्ज कर सकते हो। गाड़ी ऑफ़ है उस कंडीशन में भी इसमें दोस्तों चार्ज हो जाती है, गाड़ी ऑफ है भी तो उस कंडीशन में भी हम इसमें जो मोबाइल है वो चार्ज कर सकते हैं। सी केबल है या यू केबल, कोई सी भी केबल आप इसमें लगा सकते हैं। पीछे साइड में दोस्तों आप देखेंगे तो इसमें देखिए ये 10 सीटर पास गाड़ी है, तो इस प्रकार से इसमें काफ़ी स्पेस है दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर काफ़ी स्पेस है इसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तीन इधर बैठ सकते हैं, दो इधर चार हो गए, फिर चार बीच वाले में बैठ सकते हैं, 8 और 2 आगे वाले में बैठ सकते हैं, 10। इस प्रकार से दोस्तों ये 10 सीटर गाड़ी है। इसमें दोस्तों ये जो सीट है ये पूरी की पूरी फोल्ड हो जाती है, इसको फोल्ड करके मैं अभी आपको दिखाता हूँ। इस गाड़ी में दोस्तों देखिए स्विच आता है, एक तो ये वाला स्विच आता है इस प्रकार से, और इसमें दोस्तों एक यहाँ पर एक स्विच आता है, ये वाला स्विच दोस्तों। दोनों स्विच को यहाँ से दबा के दोनों स्विचों को एक साथ दबाते हैं, जैसे कि देखिए एक तो मैंने इस साइड से इसको दबा लिया है और एक इस साइड से आप देख रहे हैं कि इस साइड से मैं इसको दबाऊँगा। यहाँ से देखिए मैं अकेला वीडियो बना रहा हूँ इसलिए थोड़ा आपको समझ में नहीं आएगा। ये देखिए मैंने दोनों साइड से इसको दबा दिया है और दबाने के बाद में इसका लॉक है वो खुल गया है, ये देखिए नीचे गिर गई है। अब देखिए दोस्तों इसमें कितना लंबा स्पेस है, आप इसके ऊपर भी गद्दा बिछा सकते हैं, यहाँ से कुछ भी सेट करके इतना बड़ा तो यहाँ तक आ सकता है, तो आप ऐसे भी काम में ले सकते हैं। या दोस्तों इसको यहाँ से पकड़ कर यहाँ से और इसको उठा दीजिए, इसको यहाँ से उठा दीजिए, ये खुल गया दोस्तों। एक बार इसको यहाँ से पकड़ेंगे साइड से और इसको यहाँ से उठाएंगे तो देखिए ये पूरे के पूरे चिपक जाती है दोस्तों, इस प्रकार से आप देख रहे हैं। ये दोस्तों 2009 मॉडल में सिस्टम है और गाड़ियों में नहीं मिल रहा है, ये 2009 मॉडल वाली गाड़ी के अंदर है। ये देखिए आगे गाड़ी चलाएं कोई दिक्कत नहीं है, पीछे सीट फोल्ड है और इतना स्पेस दोस्तों इसमें बचा हुआ है। तो मैं आपको पीछे से भी खोल के दिखाता हूँ, अभी आपको समझाता हूँ कितना स्पेस इसके अंदर है। ये देखिए दोस्तों आप देख रहे हैं कितना स्पेस इसके अंदर बन गया है। ये देखिए ये एक्स्ट्रा में थैली में रख रखी है गाड़ी में, कभी जरूरत पड़ती है तो इसको काम में ले सकते हैं। इतना स्पेस दोस्तों इसके अंदर बन गया है, देखिए ये देख रहे हैं आप इतना स्पेस दोस्तों इसके अंदर है। यहाँ से आप देखेंगे तो इसमें आप 6x4 का गद्दा बिछा कर आराम से आप टूर कर सकते हैं, तो टूर के लिए दोस्तों बहुत बढ़िया गाड़ी है। इसमें ये फोल्ड होने का सिस्टम मुझे सबसे बेस्ट लगा, और ये देखिए इसमें सीटें भी काफ़ी बड़ी पड़ी है, 10 सीट पास है। बड़े बड़े स्पीकर्स हैं दोस्तों इसके अंदर सोनी कंपनी के, ये रहा और ये के रहा, और इसमें आप ये सारा सिस्टम चाबी से है, चाबी से बंद करेंगे तो ये सारा ऑप्शन जो है वो बंद हो जाता है यहाँ से। ये देखिए अब दोस्तों मैं आपको वापस इसको सीट को सेट करके दिखाता हूँ, जैसे कि आप इसको यहाँ से ऐसे एडजस्ट करेंगे तो ये इस प्रकार से हो जाएगी, और इसको यहाँ से उठा दीजिए इस प्रकार से, तो ये दोस्तों फिर से अपनी जगह पर सीट जो है वो आ गई है, और इतना स्पेस दोस्तों इसके अंदर है। अब यदि आप बैठते हो तो आपको काफ़ी स्पेस इसमें मिलता है दोस्तों, देखिए यहाँ पर लास्ट तक काफ़ी जगह इसके अंदर है। आप यहाँ से देखेंगे यहाँ पर डैशबोर्ड की साइड में तो बहुत ही मस्त यहाँ पर डैशबोर्ड है, और ज़्यादा हमने तड़क भड़क नहीं कर रखी है, जितना हो सके उतना नॉर्मल दोस्तों इसको रखना है, जैसे कि आप देख रहे हैं बिल्कुल से इसको आप नॉर्मल रखिए जितना हो सके उतना आपको अच्छा लगे। इसके अलावा दोस्तों ये आप देख रहे हैं ये यहाँ पर है LED सिस्टम, इसमें यहाँ से आप खोल लीजिए और आप इसमें कुछ भी प्रोग्राम वगैरह देखना चाहें तो आप आराम से देख सकते हैं। बिल्कुल से दोस्तों सिंपल सा है, इसमें सामने पेन ड्राइव डलता है, मेरी वाली जो टेप है इसके अंदर खुद के अंदर मैंने कार्ड लगा रखा है, अंदर की साइड में कार्ड डलता है इस टेप में, तो इसी में कार्ड डाल रखा है और यहाँ से हम इसको ऑन करके आराम से देख सकते हैं। दोस्तों आप यदि कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखेंगे तो मैं आपको इसके बारे में ज़रूर बताऊंगा पूरी जानकारी कि ये किस प्रकार से वर्क करता है, कैसे चलता है, कैसे इंस्टॉल किया जाता है। दोस्तों बात करें इसके इंजन की तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ये है इसमें इंजन, ये बैटरी है दोस्तों एक साइड की, इसके बारे में मैंने थोड़े दिन पहले ज़रूर वीडियो बनाया था इसका कि कैसे इसको चार्ज करें, काफ़ी सालों तक दोस्तों चलती है, थोड़ा सा इसमें रख रखाव करना होता है। यहाँ पर ये देखिए इसमें इंजन की क्वालिटी है, और इसकी आवाज़ की वीडियो मैंने काफ़ी बनाए हैं किस प्रकार से इसकी आवाज़ कितनी सुंदर इसकी आवाज़ है। यहाँ से आप देखेंगे तो लॉन्ग में इस प्रकार से, टाइम के साथ साथ दोस्तों ज़रूर इसमें जंग वगैरह लग जाता है, कभी कलर वगैरह फेड हो जाता है, तो दोस्तों वो कोई मैटर नहीं है, लेकिन मेन बात है इंजन और गाड़ी की जो क्वालिटी है चलाने की वो स्पीड, तो दोस्तों बहुत ही शानदार लाजवाब है, और
हमें तो यही गाड़ी पसंद है, इसमें लॉन्ग लेके जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती। बाकी दोस्तों सबकी अपनी अपनी पसंद है, किस किस को शेवरोले तवेरा पसंद है आप दोस्तों अपना कमेंट जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालेंगे। और इसमें कोई भी दिक्कत आ रही है तो दोस्तों आप ज़रूर शेयर करें, हम उसके बारे में ज़रूर बातचीत करेंगे और उससे संबंधित कोई भी निवारण होगा वो हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा मैंने इसमें क्या क्या क्वालिटीज़ बताई है, किस प्रकार से इसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं वो है इस गाड़ी के अंदर जो और गाड़ियों में नहीं है। दोस्तों सब कुछ आप अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं, मैंने अपनी गाड़ी को अपने हिसाब से सेट कर रखा है, आप भी अपने हिसाब से गाड़ी को मेंटेन कर सकते हैं। जहाँ पर लॉन्ग जाएँ तो इसमें आप किसी प्रकार से रस्सी वगैरह डालकर या इसमें दोस्तों किचन भी बना सकते हैं पीछे साइड में, हम इस गाड़ी में पीछे साइड में किचन भी बना लेते हैं। तो दोस्तों एडजस्टमेंट करना होता है, जितना ज़्यादा आप अच्छा एडजस्टमेंट करेंगे उतना ही आपको अच्छा फील होगा। गाड़ी को साइड में लगा के खाना वगैरह बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, बड़ी गाड़ी है, एज ए टूर के लिए, टूर एंड ट्रेवल्स के लिए बहुत अच्छी गाड़ी है, परिवार के लिए दोस्तों बहुत अच्छी गाड़ी है। तो दोस्तों आपके पास भी यदि गाड़ी है तो आप हमें ज़रूर बताइए, नहीं है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर पूछिए, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा इसमें किस प्रकार से आपको कमी आ सकती है, उस कमियों का निवारण दोस्तों क्या है। तो दोस्तों मिलते हैं नए अच्छे वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही, आपका दिन शुभ रहे, जय श्री श्याम, राधे राधे।